धर्मनगरी हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बीजेपी और कांग्रेस के आपस में खींचतान के चलते हरिद्वार निवासियों को कोड़े से फिलहाल निजात मिलती नजर नहीं आ रही। इसी को लेकर ज्वालापुर के व्यापारियों ने ज्वालापुर में झाड़ू लेकर सफाई की कमान संभाली। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियां स्थानीय निवासियों का शोषण कर रही हैं। ऐसे में RL कंपनी की हड़ताल जारी है, जिसके चलते धर्मनगरी हरिद्वार में जगह जगह पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। वहीं व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कूड़ा न उठने से शहर में लगातार मक्खी और मच्छरों की तादाद बढ़ती जा रही है। साथ ही व्यापारियों ने ये भी कहा कि यहाँ पर लोगों का जीना मुहाल होता जा रहा है। फिलहाल प्रशासन से और अधिकारियों से यही निवेदन किया जाता है कि इस गंदगी से जल्द निजात दिलाई जाए। ये हरिद्वार प्रशासन के खिलाफ हमारी एक चेतावनी है कि हरिद्वार की इस सीजन में, जिसमें कि बहुत भीड़ बाहर से आती है लाखों की संख्या में, और इस समय सफाई व्यवस्था की हालत ये है कि जगह जगह पे कूड़े के ढेर, और जो KRL कंपनी को ठेका दिया गया था वो भी सारे कर्मचारी हड़ताल पे हैं, तो उसके खिलाफ हम सब व्यापारियों ने ये अपने हाथ में आज झाड़ू उठाकर और सांकेतिक एक हमने सफाई अभियान चलाया है। शहर सड़ गया है, अतिक्रमण होने की पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। 50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। प्रशासन कहाँ सो रहा है? एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, भाजपा वाले कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। पब्लिक का पागल हो रहा है, पब्लिक अतिक्रमण में सड़ रही है, अपने दूसरे पर कमियां निकाल कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो रहे हैं। अगर इनसे व्यवस्था नहीं सुधर रही है तो अपना ये कार्यभार प्रशासन को इस्तीफा देकर जनता को इस गंदगी से मुक्त कराए। इसमें है कि पूरा शहर सड़ रहा है, आने वाले दिनों में बारिश आने वाली है, शहर में बीमारियां फैलने की पूरी आशंका है। आज सभी व्यापारियों ने एकजुट होकर पूरे शहर को सफाई का निर्णय लिया है कि हम इसे स्वच्छ रखेंगे, और प्रशासन से ये मांग करते हैं अगर इसको व्यवस्था को जल्द ठीक ना किया गया तो मुख्यमंत्री को एक व्यापारी द्वारा शीघ्र ही ज्ञापन देंगे। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।